हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन इस बार की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस वजह से इस बार की कट ऑफ डाउन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एज पर द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मतलब किस मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पुरानी हिस्ट्री थोड़ी सी अगर आप जानना चाहते हो तो दैट इज कि दो शिफ्ट में एग्जाम हुई, जिसमें कि शिफ्ट टू वॉज मच डिफिकल्ट देन शिफ्ट वन। नाउ नीट पी एन बी इज एक्चुअली गोइंग टू इम्प्लीमेंट नॉर्मलाइजेशन फॉर इक्वलिंग बोथ द शिफ्ट, वेयर एज इफ यू कंपेयर 2024 शिफ्ट वन और शिफ्ट टू पेपर, दैट इज रिलेटिवली टफर देन नीट पी जी 2023, 2022 और 2021 पेपर। सो 2021, 2022 और 2023 के पेपर से ज़्यादा डिफिकल्ट 23 की शिफ्ट वन या शिफ्ट टू किसी की बात हम करें तो वो 2024 की पेपर जो है वो रही है। कोई भी दोनों ही शिफ्ट ज़्यादा टफर रही है। और चूंकि अब इस बार नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट होकर के परसेंटाइल बेसिस पे मार्क, परसेंटाइल बेसिस पे रैंक बनेगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि आपके जो मार्क्स आ सकते हैं, जो भी आपने स्पेक्युलेट किए होंगे, उस बेसिस पे आपको किस मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है इन गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद हम स्टेट कोटा की भी बात करेंगे इन डिफरेंट वीडियोज, जिसमें कि हम अलग अलग स्टेट को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी और हमने एनबी डिप्लोमा को भी इसमें कवर किया हुआ है। सो ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो जनरल सर्जरी यूआर कैटेगरी को 480 टू 485 मार्क्स तक मिल सकती है, उससे ज्यादा रहने पे दैट इज गुड फॉर यू, अच्छा है, आपको और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 475 टू 480 मार्क्स रहने पे आपको जनरल सर्जरी मिल सकती है, उससे ज्यादा मार्क्स होने पर दैट इज गुड फॉर यू। ओबीसी कैटेगरी के लिए 475 टू 480 मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 400 टू 405 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 320 टू 325 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ डीएनबी सर्जरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी 440 टू 445 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 445 टू 450 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 445 टू 450 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 400 टू 405 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 280 टू 285 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। पैथोलॉजी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा यूआर कैटेगरी 370 टू 375 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 275 टू 280 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 325 टू 330 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए 300 टू 305 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 145 टू 150 मार्क्स। डीएनबी पैथोलॉजी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 350 टू 355 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 330 टू 335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी के लिए 305 टू 310 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 335 टू 340 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए 125 टू 130 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ऑप्थल यूआर कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में जो गवर्नमेंट सीट है वो 445 टू 450 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 430 टू 435 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 445 टू 450 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 365 टू 370 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 305 टू 310 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ डीएनबी की बात करें, डीएनबी ऑप्थल की, तो यूआर कैटेगरी के लिए 420 टू 425 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ऑप्थल के लिए 450 टू 455 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी के लिए 440 टू 445 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए 405 टू 410 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 240 टू 245 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ जब हम ऑप्थल की बात करते हैं तो देयर आर 8 ब्रांचेस जिसमें डिप्लोमा भी होती है, एनबीई डिप्लोमा, तो एनबीई डिप्लोमा ऑप्थल में भी होती है। सो ऑप्थल की यूआर कैटेगरी अगर एनबीई डिप्लोमा की अगर हम देखें बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम 330 टू 335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 280 टू 285 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 330 टू 335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 275 टू 280 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 135 टू 140 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ ईएनटी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे के लिए यूआर कैटेगरी 435 टू 440 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए।
ईडब्ल्यूएस के लिए 430 to 435 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 430 to 435 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 380 to 385 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए 290 to 295 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। डीएनबी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 420 to 425 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, डीएनबी ईएनटी की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 435 to 440 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी के लिए 440 to 445 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 360 to 365 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए 300 to 305 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ ईएनटी की डिप्लोमा भी होती है, तो एनबी डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 355 to 360 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 285 to 290 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 330 to 335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 255 to 260 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड एसटी कैटेगरी के लिए 130 to 135 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एनेस्थीसिया की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा यूआर कैटेगरी के लिए 430 to 435 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 420 to 425 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी के लिए 430 to 435 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एससी के लिए 370 to 375 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड एसटी के लिए 275 to 280 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ डीएनबी एनेस्थीसिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 405 to 410 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, EWS के लिए 420 to 425 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, OBC के लिए 410 to 415 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, SC कैटेगरी के लिए 370 to 375 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड ST कैटेगरी के लिए 225 to 230 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ एनेस्थीसिया की डिप्लोमा भी होती है, तो डिप्लोमा में UR कैटेगरी के लिए 340 to 345 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, EWS के लिए 285 to 290 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, OBC के लिए 355 to 360 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, SC कैटेगरी के लिए 270 to 275 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड ST कैटेगरी के लिए 125 to 130 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। सेक्रेटरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में UR कैटेगरी की मिनिमम अगर आपकी 465 to 470 मार्क्स आती है तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। EWS कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 415 to 420 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। OBC कैटेगरी के लिए 420 to 425 मार्क्स अगर आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में सेक्रेटरी मिलने के चांसेस रहेंगे। SC कैटेगरी के लिए 385 to 390 मार्क्स एंड ST कैटेगरी के लिए 270 to 275 मार्क्स। नाउ DNB सेक्रेटरी की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 460 to 470 मार्क्स जो है वो सेफेस्ट स्कोर रह सकते हैं, उससे ज्यादा रहने पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। EWS कैटेगरी के लिए 480 to 485 मार्क्स होने से आपके मिलने के चांसेस रहेंगे, OBC कैटेगरी के लिए 420 to 425 मार्क्स आने से आपके मिलने के चांसेस रहेंगे, SC कैटेगरी के लिए 380 to 385 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने से आपको DNB सेक्रेटरी मिलने के चांसेस रहेंगे एंड ST कैटेगरी के लिए 330 to 335 मार्क्स रहने से आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। OBGY की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आपके 495, 500 या उससे ज्यादा आते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको OBGY मिल जाएगी। EWS कैटेगरी के लिए 480 या 485 से ज्यादा मार्क्स रहने से आपके पास चांसेस हैं कि आपको OBGY मिल जाएगी। OBC के लिए 485 to 490 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने से देयर आर चांसेस कि आपको OBGY ऑल इंडिया कोटे में मिल जाएगी। SC कैटेगरी में 410 to 415 या उससे ज्यादा रहने से मिल जाएगी और ST कैटेगरी के लिए 315 to 320 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने से मिलने के चांसेस रहेंगे। नाउ OBGY DNB की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए अगेन 495 to 500 या उससे ज्यादा रहने से DNB OBGY मिलने के चांसेस रहेंगे UR कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 495 to 500 मार्क्स रहते हैं या उससे ज्यादा रहते हैं तो आपके पास मिलने के चांसेस रहेंगे DNB OBGY। OBC के लिए 475 to 480 या उससे ज्यादा रहने से आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। SC कैटेगरी के लिए 390 to 395 या उससे ज्यादा रहने से आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको DNB OBGY मिल जाएगी। ST कैटेगरी के लिए 345 to 350 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे चांसेस रहेंगे कि मिल जाएगी। नाउ OBGY की डिप्लोमा की बात करें जिसे DGO कहते हैं, UR कैटेगरी के लिए 415 to 420 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे मिलने के चांसेस रहेंगे। EWS के लिए 405 to 410 मार्क्स, OBC के लिए 410 to 415 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 350 to 355 मार्क्स एंड ST कैटेगरी के लिए 220 to 225 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे आपको DGO मिलने के चांसेस रहेंगे। जनरल मेडिसिन की बात करें ऑल इंडिया कोटा UR कैटेगरी में अगर 555, 560 या उससे ज्यादा आते हैं तो आपके पास चांसेस है कि आपको मेडिसिन UR कैटेगरी में मिल जाएगी। EWS के लिए भी अगेन 550, 555 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे चांसेस है कि आपको मिल जाएगी। OBC के लिए 510 to 515 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे देयर आर चांसेस कि आपको जो है ऑल इंडिया कोटे से मेडिसिन मिल जाएगी। SC कैटेगरी के लिए 430 to 435 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे चांसेस है कि आपको ऑल इंडिया कोटे से मेडिसिन मिल जाएगी।
एसटी कैटेगरी के लिए 380 to 385 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे चांसेस है कि आपको मेडिसिन मिल जाएगी। डीएनबी मेडिसिन की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 495 to 500 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे मिलने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 505 to 510 मार्क्स, ओबीसी के लिए 505 to 510 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 430 to 435 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए 280 to 285 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको मेडिसिन डीएनबी की मिलने के चांसेस रहेंगे। पीडिया की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में यूआर कैटेगरी 520 to 525 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे पीडिया मिल सकती है आपको ऑल इंडिया कोटे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 to 505 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको मिल सकती है। ओबीसी के लिए 500 to 505 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको ऑल इंडिया कोटे में पीडिया मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 430 to 435 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 380 to 385 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको ऑल इंडिया कोटा में पीडिया मिल सकती है। नाउ डीएनबी पीडिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 490 to 495 या उससे ज्यादा मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 490 to 495 इसके लिए भी सेम ही है या उससे ज्यादा मार्क्स, ओबीसी के लिए भी 490 to 500 जो है 495 to 500 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे डीएनबी पीडिया। एससी कैटेगरी के लिए 410 to 415 या उससे ज्यादा मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 365 to 370 या उससे ज्यादा मार्क्स। सिमिलरली पीडिया की अगर डिप्लोमा की बात करें डीसीएच, तो यूआर कैटेगरी में 410 to 415 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे डीसीएच मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 400 to 405 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे डीसीएच मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 405 to 410 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने से डीसीएच मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 365 to 370 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे डीसीएच मिल सकती है। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 260 to 265 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे आपको डीसीएच मिल सकती है। औरतों की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में यूआर कैटेगरी को 500 505 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे ऑर्थो मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 490 to 495 या उससे ज्यादा रहने पे ऑर्थो मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 495 to 500 या उससे ज्यादा रहने पे ऑर्थो मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 410 to 415 या उससे ज्यादा रहने पे ऑर्थो मिल सकती है। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 430 to 435 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पे आपको ऑर्थो मिल सकती है। डीएनबी ऑर्थो की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 450 to 455 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने से आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको डीएनबी ऑर्थो मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 485 to 490 या उससे ज्यादा रहने पे आपको चांसेस है कि आपको डीएनबी ऑर्थो मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 455 to 460 या उससे ज्यादा मार्क्स रहने पे चांसेस है कि आपको डीएनबी ऑर्थो मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए 395 to 400 या उससे ज्यादा रहने पे आपको और डीएनबी ऑर्थो मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी के लिए 315 to 320 मार्क्स या उससे ज्यादा रहने पे आपको ऑर्थो मिल सकती है। नाउ एक चीज नोटिस करने वाली है कि डीएनबी ऑर्थो में यूआर कैटेगरी के लिए मैंने 450 to 455 मार्क्स का रेंज रखा है और ईडब्ल्यूएस के लिए 485 to 490 मार्क्स का रेंज रखा है। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी के नीचे जानी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि इस लिस्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डीएनबी की या फिर ओबीसी कैटेगरी जो है वो जो ये यूआर की कैटेगरी है उससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए तो। इसके पीछे का रीजन ये है कि कभी भी जब कैटेगरी लगती है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कंपेरिजन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर देखें तो वो बहुत कम है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी सीट है वो सारी जनरल की सीट होंगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सीट है उसी में सिर्फ कैटेगरी लगेगी। तो ओनली 10 to 15 20% ही हॉस्पिटल हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें कैटेगरी लग सकती है, तो उसमें सीटें बहुत कम हो जाती है कैटेगरी के लिए। बाकी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें सब यूआर कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, जनरल में ही काउंट होते हैं। इस वजह से जनरल की कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो रही है और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कट ऑफ जो है वो कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटे से यूआर कैटेगरी 515 to 520 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 495 to 500 मार्क्स, ओबीसी के लिए 500 to 505 मार्क्स या उससे ज्यादा, एससी कैटेगरी के लिए 420 to 425 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 350 to 355 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको ऑल इंडिया कोटे से रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है। नाउ डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 495 to 500 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं थी लास्ट ईयर, अब इस साल देखना होगा कि ईडब्ल्यूएस में कोई सीट आती है या नहीं आती है रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डीएनबी में। ओबीसी की बात करें तो 495 to 500 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पे मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 425 to 430 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में 345 to 350 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको मिल सकती है।
एमबी डिप्लोमा डीटीसीडी की बात करें, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन टीबी एंड चेस्ट की डिप्लोमा होती है, उसमें यूआर कैटेगरी 410 टू 415 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 405 टू 410 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको मिल सकती है। अगेन ओबीसी के लिए भी सेम, 405 टू 410 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको डीटीसीडी मिल सकती है, मतलब डिप्लोमा रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। एससी कैटेगरी के लिए 355 टू 360 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे आपको मिल सकती है। नाउ इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा यूआर, ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा यूआर कैटेगरी को 510 टू 515 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पे मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 475 टू 480 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे ऑल इंडिया कोटा मिल सकती है इमरजेंसी मेडिसिन। ओबीसी कैटेगरी के लिए 485 टू 490 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 420 टू 425 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 355 टू 360 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे इमरजेंसी मेडिसिन ऑल इंडिया कोटे में मिल सकती है। और इमरजेंसी मेडिसिन की अगर डीएनबी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 450 टू 455 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने पे मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 465 टू 470 मार्क्स, ओबीसी के लिए 485 टू 490 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 440 टू 445 मार्क्स। एंड एसटी कैटेगरी में कोई सीट नहीं थी, देखने वाली बात यह होगी कि इस साल सीट आती है कि नहीं है। सीट्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो कॉलेजेस की तरफ से एनबीए को गई हुई थी, उस पर उनकी जो कम्युनिकेशन थी, एनबीए की कम्युनिकेशन विद कॉलेजेस, वो चल रही थी थ्रू ईमेल। नाउ उनकी जो अप्रूवल है वो आना बाकी है अभी, कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स को और कौन कौन से ब्रांचेस में सीट्स को अप्रूवल मिली है। वो अप्रूवल जो है वो धीरे धीरे अब आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब एक बार फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांचेस को अप्रूवल मिली और कितनी सीट्स बढ़ी है। सो गाइस, आई होप ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपको एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएगी तब हमें ओरिजिनल रैंक पता लगेगी, लेकिन उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये जो मार्क्स बनाई गई है, ये दोनों शिफ्ट के पेपर को दिमाग में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया है, उस हिसाब से हमने रैंक को थोड़ा कम किया है और उस बेसिस पे हमने ये जो है मार्क्स वो हमने इवेलुएट किया है। ऐसा नहीं है कि ये 100% सही ही होगा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, बट डेफिनेटली ये वीडियो आपको एक आइडिया ज़रूर देगी कि आपके जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस मार्क्स में कौन सी कॉलेज ऑल इंडिया कोटे में, कौन सी कौन सी ब्रांच ऑल इंडिया कोटे में, कौन सी ब्रांच डीएनबी में और कौन सी ब्रांच डिप्लोमा में आपको मिल सकती है। नाउ ये तो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग की बात थी, स्टेट्स की बात हम धीरे धीरे स्टेट वाइज वीडियोस में जरूर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो। सी, रिजल्ट जब आएगी तब आएगी, अभी आप कॉल करके ये जरूर पूछ सकते हो कि आप जो मार्क्स आपने जो एनालाइज किया है, एक्सपेक्ट जो आप अपने मार्क्स कर रहे हो, उस बेसिस पे क्या आपकी रैंक बन सकती है और उस बेसिस पे आपको कहाँ क्या मिल सकती है, वो जरूर हम आपको बता सकते हैं आपकी आईडी, आपको आइडिया देने के लिए, जिससे कि आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहोगे। एक बार जब रिजल्ट आएगी तो उसके बाद फिर आप उसे रैंक के बेसिस पे इवेलुएट कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और काउंसलिंग रिलेटेड अगर अप्रोच करना हो तो काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ में काउंसलिंग की जो फॉर्म है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में दी गई है, यू आर मोस्ट वेलकम टू फिल अप द फॉर्म सो दैट आपको कोई आपकी कोई भी डाउट हो वो काउंसलिंग से पहले खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।